नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके प्रोडक्शन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप मुकाबले की काफ़ी एक तरफा मुकाबला दोस्तों देखने को मिल सकता है आपको, जहाँ पर साउथ अफ्रीका अगर जीतेगी तो आपको टेबल पॉइंट पे टॉप पे नज़र आएगी। अगर बाई चांस, जो कि बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, अगर नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आज हम इसी मैच की चर्चा करेंगे, देखेंगे हमारे टॉप 11 फैंटसी पिक्स जो आपको ड्रीम 11 या फिर किसी भी अदर फैंटसी प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी विनिंग करवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बता दूँ दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए। और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल वीके प्रोडक्शन, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा। लिंक के थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हेड टू हेड के लगभग सभी पॉसिबल टीम आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो अगर बात की जाए दोस्तों इस मैच की, तो इस मैच की बात करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे जो विकेट कीपर में ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, एक ही चॉइस है, क्विंटन डिकॉक। बैटिंग पहले करते हैं या बाद में करते हैं, आपको एक ही लेना है यहाँ पे। ग्रैंड लीग और हेड टू हेड दोनों में आप इनको ले सकते हैं। क्विंटन डिकॉक बहुत बेहतरीन चॉइस हैं, ये समझ लीजिए आपको इनको लेना ही है। हर बार अच्छा करते जाते हैं और तेज तर्रार खेलने में सक्षम है, तो और इनका आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जा रहा है इस वर्ल्ड कप में। दो मैचों में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, हालांकि पिछले दो मैचों से फ्लॉप भी रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इंडिया के खिलाफ मात्र इन्होंने एक रन बनाया था, और लास्ट मैच की जो बात हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ ये जीरो पे आउट हो गए। तो ये छोटी टीम के खिलाफ मुझे लगता है यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, तो आप इन्हें एज अ कैप्टन भी चूज़ कर सकते हैं, बढ़िया डिफरेंशियल पिच पिक रहेगी। ओके, तो फिलहाल मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी तो पहले हम स्मॉल लीग की टीम देख रहे हैं, उसके बाद हम हेड टू हेड ग्रैंड लीग की टीम भी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब बात करते हैं बैट्समैन की तरफ चलते हैं। तो एज अ बैट्समैन, देखिए एज अ बैट्समैन जिस तरह की टीम है नीदरलैंड, मुझे नहीं लगता डेविड मिलर की बैटिंग आने वाली है। तो यहाँ पर पहले तो फिलहाल मैं ले लेता हूँ मैकलाउड को, जो कि ओपन करेंगे, और उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है लास्ट मैच में इन्होंने 82 पॉइंट दिए थे। 52 रनों की पारी खेली थी, बहुत शानदार पारी खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो कॉन्फिडेंस आया होगा आई हो, एंड मुझे लगता है ये बढ़िया बैटर करेंगे इस मैच में भी, तो मैं इनको ज़रूर लूँगा अपनी टीम में। देन मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा रूसो को, रूस बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, दो बैक टू बैक सेंचुरी भी मारी थी पहले ही मैच में वर्ल्ड कप के, आपको पता ही होगा कि उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, और उसके बाद पिछले दो मैचों से इनका भी बल्ला खामोश है, तो मुझे इनसे भी काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं कि ये इस मैच में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। ओके, तो मैं इनको भी अपनी टीम में रखूँगा। देन टी बबुआ ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा। 30-35 रनों की पारी वो अगेन खेल सकते हैं, लास्ट मैच में इन्होंने 35 रनों की पारी करी थी, मैं 36 रनों की, और 78 पॉइंट दिए थे ड्रीम इलेवन टीम में, तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर ऑप्शन रहेगी, तो आप इनको ले सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो टॉम कूपर को भी ट्राई कर सकते हैं मैकलाउड की जगह, टॉम कूपर बढ़िया ऑप्शन रहेगी, क्योंकि लास्ट पॉइंट में इन्होंने भी थोड़े से हाथ खोले थे, 32 रन बनाए थे, 44 पॉइंट दिए थे ड्रीम इलेवन टीम में, तो ये एक बढ़िया पिक रह सकती है मिडिल ऑर्डर में अगर आप बैट्समैन लेना चाहते हैं। बट टॉम कूपर का रिकॉर्ड यहाँ इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, तो मैं इनको बिल्कुल डिनाई करूँगा। ग्रैंड लीग में आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए डेविड मिलर और एडम मार्करम में, अगर एडम मार्करम मिलर में आप लेना चाहते हैं तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा एडम मार्करम को, बिकॉज मिलर से ऊपर आएंगे वो, और मैं और वैसे तो मैं हेड टू हेड में इन दोनों को ही नहीं ले रहा हूं, अगर आप चाहें तो एडम मार्करम को ले सकते हैं, हालांकि मिलर की रिकॉर्ड एडम मार्करम से बेटर है, बट यहाँ पर एडम मार्करम ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं अगर आप हेड टू हेड में लेना चाहें तो। बट मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एडम मार्करम वो डेविड मिलर को बैटिंग करने की नीड होगी। हाँ मार्करम आ सकते हैं बैटिंग करने, वो बात अलग है,
बिकॉज बॉलिंग सामने वाली टीम की बेटर है। चलिए फिलहाल तो बात कर लेते हैं पहले हम ऑलराउंडर ऑप्शंस में। देखिए ऑलराउंडर ऑप्शंस की बात की जाए तो बी डी लीड बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे हर बार जो है हमको पॉइंट्स देके जा रहे हैं और काफ़ी हद तक पॉइंट देके जा रहे हैं, लेकिन लास्ट मैच की अगर बात की जाए तो इन्होंने 12 रन बनाए थे प्लस 2 विकेट लिए थे, वो भी बढ़िया टीम के खिलाफ। जिम्बाब्वे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिम्बाब्वे के खिलाफ लिए थे, उससे पहले 2 मैचों में नहीं चले थे और इन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया इस वर्ल्ड कप में, तो आप इनको बिल्कुल लीजिए मैं कहूँगा। एलवन वीक की बात की जाए दोस्तों तो एलवन वीक ने भी लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे आप देख सकते हैं, और लेकिन इन्होंने पूरे ओवर नहीं फेंके तो मैं इनको थोड़ा सा साइड रखना चाहूँगा, तो मैं अब इनको टीम में नहीं ले रहा हूँ। इससे बेटर आप आर्कमैन को ले सकते हैं क्योंकि आर्कमैन बॉलिंग भी करा सकते हैं प्लस बैटिंग मिडिल ऑर्डर में करने आते हैं, तो आर्कमैन यहाँ पे एक अच्छी चॉइस हो सकती है मेरे अकॉर्डिंगली, तो आप आर्कमैन को ट्राई कर सकते हैं और पॉइंट्स भी आपको ये 30 के आसपास दे सकते हैं आराम से। फिलहाल तो मैं बैन पॉर्नर को लेना चाहूँगा जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, हर बार ये पॉइंट्स दे के जा रहे हैं। देखिए लास्ट मैच की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक विकेट चटका था, 4 ओवर कंप्लीट फेंक रहे सबसे अच्छी बात, अगर इससे पिछले मैच की बात की जाए तो उसमें तो उन्होंने कह ही रहा दिया 3 विकेट चटके थे आपको याद ही होगा 4 ओवर में, तो कंप्लीट ओवर प्लस बेहतरीन बॉलिंग, तो आप इनको बिल्कुल लीजिए मैं तो कहूँगा। अभी देखिए कुछ इस तरह की टीम बन रही है और आपको पता है ड्रीम इलेवन 7 प्लेयर पिक कर सकते हैं, 4 पिक्स हमने इधर से कर ली हैं, तो मैं थोड़े से बॉलिंग सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो बॉलिंग में देखिए यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत मजबूत है और अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करती है तो नीदरलैंड में भी 100 के आस 100 120 ही बना पाएगी, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि सभी पिक्स हो जाएँ तो बेटर रहेगा, तो यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा एडम नॉर्के जो कि बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। कगिसो रवाडा आप ले सकते हैं, लास्ट कुछ मैचों से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया बट कगिसो रवाडा को यहाँ पे आप ले सकते हैं बिकॉज हर मैच में 1 विकेट तो ये लेके जा रहा है बंदा, तो कगिसो रवाडा बेटर ऑप्शन हो सकती है। लुंगी निगनीडी आप बिल्कुल ले सकते हैं, अच्छी ऑप्शन है। पॉल मक्रीन ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, हर बार विकेट लेते हैं ये देख सकते हैं, हर बार विकेट्स ले रहे हैं वो, लास्ट मैच में भी ये 3 विकेट लेके गए थे। फिलहाल पॉल मक्रीन को मैं बिल्कुल लूँगा अपनी टीम में। देन अगर आपको टवरेज शमसी को लेना चाहते हैं तो आपको टीबमुआ को हटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर टीबमुआ को ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं टवरेज शमसी, या फिर एक अपना बॉलर कम करके टीबमुआ को, बट टीबमुआ ने अच्छा प्रदर्शन किया था इसलिए चलिए मैं टीबमुआ को हटा रहा हूँ, यहाँ पर एक बैट्समैन बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने जैसा कहा था टॉम कूपर को ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं चौथा बॉलर भी डाल सकता हूँ, इसके हिसाब से 5 बॉलर के साथ हमारी टीम जाएगी और ये भी अच्छी रहेगी, बट अगर आप रवाडा को ड्रॉप करते हैं किसी बॉलर को ड्रॉप करते हैं तो फिर आप टीबमुआ के साथ जा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डिकॉक और रूस अच्छी प्रदर्शन करेंगे, टीबमुआ वही 20-30 रन कर सकते हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें आप, ग्रीन लीग में आप उनको ले लीजिए तो बेटर रहेगा। चलिए इसके अगर कप्तान वाइस कप्तान की बात की जाए तो एज अ कैप्टन दोस्तों मैं यहाँ पे बनाऊँगा क्विंटन डिकॉक को, एंड एज ए वाइस कैप्टन मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ, बॉलिंग्स में काफ़ी हैं रूसो को, एडम रूसो जो है मैं रूसो को यहाँ पे एज अ वाइस कैप्टन रखता हूँ, टीम मेरी सेव कर देता हूँ, फाइनल टीम में आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये टीम बनाई थी हमने। देखिए एज अ कैप्टन मैंने डिकॉक को रखा है, रूसो को लिया एज अ वाइस कैप्टन, कूपर मैकलाउड बैन पॉर्नर बी डी ली दो ऑलराउंडर रखे हैं, 5 बॉलरों के साथ जा रहा हूँ, पॉल मक्रीन और साउथ अफ्रीका के 4 बॉलर्स हैं, तो ये मेरी टीम है हेड टू हेड के लिए अभी, तो बाकी अगर इसमें कुछ चेंजेस होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके चलिए एक बार बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग टीम की, अगर ग्रैंड लीग टीम के साथ जाना चाहेंगे तो क्या टीम बन सकती है वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने में इसी में हम जल्दी जल्दी चेंजेस करते हैं। देखिए क्विंटन डिकॉक को मैं बिल्कुल लूँगा जैसा मैंने कहा है, ठीक है। ग्रैंड लीग की बात की जाए तो ग्रैंड लीग में मैं क्लाउड को ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे,
रूसो टॉम कूपर बेटर ऑप्शन रहेंगे मेरे लिए हमेशा से, कहा मैंने बीडी लीड अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं तो बिल्कुल लूँगा, बैटिंग तो कर ही सकते हैं बिल्कुल, मकरी हर बार चल रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इस बार मकरी का चलना तय नहीं है, बिकॉज मैं मुझे ऐसा फील हो रहा है तो मैकरीन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। चारों बॉलर मैं यहाँ पे रखूँगा ग्रैंड लीग में, देन यहाँ पे मकरीन की जगह मैं लेना चाहूँगा आर्कमैन को, कगिसो रवाना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, नोकिया लगातार बैक टू बैक अगर देखा जाए तो 2 मैचों से विकेट्स लिए जा रहे हैं, 3 मैचों बहुत अच्छा प्रदर्शन किया नोकिया को, और नगनीडी में आपको एक ड्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं नोकिया तो 94% है मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है नोकिया उतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे, बट मैं नोकिया को ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, रवाड़ा को रखूँगा, या फिर आप चाहें नोकिया को रख तबरेज शम्सी को मैं इसलिए नहीं ड्रॉप करूँगा बिकॉज 14% है, बेहतरीन खिलाड़ी विकेट तेज तरह लेगा, अगर आप नोरखिया को ड्रॉप नहीं करते तो नगनीडी को कर दीजिएगा, रवाड़ा को मैं बिल्कुल रखूँगा ग्रैंड लीग में। ओके फ्रेंड्स, देन यहाँ पे अगर आप चाहें तो वैन पार्नल भी एक अच्छी ऑप्शन होगी ड्रॉप करने के लिए, बट वैन पार्नल मुझे लगता है यहाँ पे विकेट्स लेंगे तो वैन पार्नल को मैं बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूँगा। देन हमें एक बैट्समैन चाहिए पहले, तो जब बैट्समैन अगर हम चाहें साउथ अफ्रीका के भी चार दो एक एक प्लेयर ले सकते हैं, तो साउथ अफ्रीका के यहाँ पर जो एक प्लेयर रहेगा वो रहेगा टी बबूमा, देखिए अब हमारे पास ग्रैंड लीग में आ चुके हैं टी बबूमा। ओके एंड वाइस कैप्टन अभी हमारे पास एक प्लेयर और आ सकता है, जब एक प्लेयर तो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ एफ क्लासन को, जो कि बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ वर्ल्ड कप में, तो एफ क्लासन को मैं अपनी टीम में रखूँगा, 19% लिया है तो मुझे लगता है चांसेस रहेंगे विकेट लेने के यहाँ पे, बट यहाँ पे नोरकिया जैसे पहल वक्त में दोनों ही हाई परसेंटेज प्लेयर छोड़ दिए, तो यहाँ पे मैं निगनीडी को छोड़ के नोरकिया को ले लेता हूँ। ओके अब बेटर रहे लग रहा है टीम का कॉम्बिनेशन, क्योंकि रवाडा नोरकिया की जोड़ी काफ़ी उथल पुथल मचा सकती है इसमें, और कैप्टन के तौर पर यहाँ पर अगर बात की जाए तो कैप्टन मैं रखना चाहूँगा क्विंटन डिगो को ही, वाइस कैप्टन के तौर पे मैं रखूंगा कगिसो रवाडा को, ग्रीन लीग में मेरे एज अ वाइस कैप्टन कैप्टन कगिसो रवाडा रहेंगे। टीम सेव कर देता हूँ, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो ये रही हमारी ग्रैंड लीग की टीम, ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं मैंने, टी बगुआ डाल दिए हैं, 3 ऑलराउंडर्स के साथ जा रहा हूँ, पैरनल आर्कमैन बी डी लीड, यहाँ पे मैंने एफ क्लासन लिए हैं, और रवाडा को वाइस कप्तान किया, शम्सी लिए हैं नोरखिया लिए हैं, लुंगी निगनीडी को यहाँ पे ग्रैंड लीग में ड्रॉप किया मैंने। ओके अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, बाकी हमारी जो भी फाइनल हेड टू हेड की टीम आएगी जैसे मैंने कहा है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वीके प्रेडिक्शन में मिल जाएगी, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी प्रोडक्शन अच्छी लगी, अगर प्रोडक्शन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके थैंक यू।